वहीं राजस्थान भाजपा की दिल्ली में अहम बैठक और राजस्थान बीजेपी के प्रमुख नेता आज दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में टिकट वितरण को लेकर कल होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और गृह मंत्री अमित शाह इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सीईसी की बैठक लेंगे। सीसी की बैठक से पहले राजस्थान के 8 से 10 नेता महत्वपूर्ण मंथन करेंगे और इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, इसके अलावा संगठन के महामंत्री चंद्रशेखर समेत अन्य जो वरिष्ठ नेता है भाजपा के प्रदेश के वो मौजूद रहने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी विस्तृत दे पाएंगे हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। विष्णु, देखिए एक तरफ जहां पर कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरीके से यहां पर अपनी ताकत झोंकती हुई तैयारियों में लगी हुई है। आज बताया जा रहा है कि राजस्थान भाजपा की दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है, कौन कौन वहां पर मौजूद रहेंगे और क्या कुछ एजेंडा? बिल्कुल अंकुर, क्योंकि लगातार बीजेपी भी पूरी तरह चुनावी ताकत झोंकने में लगी हुई है, तो ऐसे में अब चुनाव नजदीक है और टिकट वितरण का इंतजार है, इसको लेकर कल केंद्रीय चुनाव समिति है बीजेपी की, उसकी बैठक हो रही है और उस बैठक से पहले राजस्थान बीजेपी के जो तमाम प्रमुख नेता है वो इस पर पूरा मंथन यहां पर करने वाले हैं और इसको लेकर जो कोर कमेटी में शामिल 8 से 10 प्रमुख नेता दिल्ली में बैठकर यहाँ जो राजस्थान के टिकट है उनके बारे में चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और उसके बाद कल टीसी की जो बैठक होने वाली है इसमें कुछ लोग यहां से शामिल होंगे तो उस टीसी की बैठक में जानकारी देंगे कि राजस्थान में टिकट वितरण का क्या स्टेज है और किस तरह से कितने लोगों का पैनल है, क्या है, वो तमाम बातों को लेकर वहां पर चर्चा होगी। क्योंकि यहां के राजस्थान से जो प्रमुख नेता वो आज दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये लोग शाम को बैठक बैठेंगे और उसके बाद कल सुबह भी बैठने की संभावना है लोगों की कि वो सीईसी से पहले एक बार फिर मंथन करें, तो कुल लगातार ये मंथन चलेगा कि टिकट वितरण का क्या स्वरूप हो, कौन लोग किन लोगों को टिकट दिया जाए, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जाएगी विस्तृत रूप से, क्योंकि सीईसी कल होने वाली है तो उसमें जो चुनावी राज्य है उनके प्रदेश प्रभारी और प्रदेश चुनाव प्रभारी यहाँ रहने वाले हैं उस सीईसी में, तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर पूरा मंथन और पूरा निचोड़ निकाला जाएगा और उसके बाद हम आने वाले दिनों में जो बीजेपी की है वो पहली लिस्ट राजस्थान की आनी है, जबकि और दूसरे राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां दूसरी दो सूचियां हो चुकी है, तो ऐसे में यहां दबाव यही है कि पहले राजस्थान में सूची जारी की जाए। राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी थे प्रहलाद जोशी, वो कह चुके थे कि कांग्रेस से पहले सूची आएगी, अब क्योंकि श्राद्ध शुरू हो गए हैं तो ऐसे में संभावना कम जताई जा रही है कि सूची अभी इन दिनों निकले, और लेकिन लगातार लोगों का इंतजार है तो श्राद्ध पक्ष खत्म हो जाएगा 14 अक्टूबर को, तो संभवतः 15 अक्टूबर के आसपास पहली सूची आ सकती है और इससे पहले भी अगर कोई कारण नहीं हुआ तो वो भी सूची जारी की जा सकती है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब चुनावी जो मोड है वो पूरी तरह उस पर आ गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ राजस्थान के दौरे पर फिर आ रहे हैं, 7 दिन में तीसरी बार आ रहे हैं, फिर तीसरी बार 5 अक्टूबर को आएंगे, तो कुल मिला के ये पूरे जो चुनावी सिस्टम है वो टिकटों के साथ ही और उनका दायरा है वो बढ़ जाएगा। ठीक है विष्णु, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और यहाँ पर बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, ये भी दर्शकों को बता देते हैं और फिर उसके बाद मैं आपसे और जानकारी लूंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज से है और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर आज और कल 2 दिन ये बैठक होगी। 5 राज्यों में चुनाव से पहले समिति की ये तीसरी बैठक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम इसमें फाइनल होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहने वाले हैं और इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह समेत प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के अधिकांश दिग्गज नेता भी पहुंच रहे हैं। देर रात दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे हैं, इसके अलावा पूर्व सीएम राजे आज आएंगे दिल्ली और प्रदेश बीजेपी नेताओं की ये मैराथन बैठकें जो है वो लगातार जारी है। देखिए बीजेपी जो है तमाम लगातार उसकी बैठकें चल रही हैं और विष्णु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब विष्णु, देखिए यहाँ पर बात हो रही थी कि आज प्रदेश भाजपा की दिल्ली में अहम बैठक होनी है, इसके साथ ही ये भी खबर है कि अब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर भी आज और कल अहम बैठक होने वाली, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी?
केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रहेंगे और साथ में केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह वो रहेंगे और जेपी नड्डा वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी है पूरी तरह चुनावी जो समीकरण उनको धरातल पर ला रही है और उसी को लेकर ये जो टिकट वितरण है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और जो वहां उम्मीदवार है दावेदार है उनके नामों पर पूरी तरह विचार किया जाएगा कि कौन मुफीद होंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य में दो सूची जारी हो चुकी है। तो ऐसे में अब दबाव है कि दूसरे राज्य राजस्थान सहित वहाँ राजस्थान में एक बार भी सूची पहली सूची भी नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं इस पूरी सूची पर पूरा नामों को फाइनल कर लिया जाएगा और उसके बाद कभी भी सूची जारी की जा सकती है और इसका भी इंतजार सभी राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को इसका इंतजार है। और राजस्थान में एक ये भी है कि कांग्रेस की सूची भी जारी होगी तो उस सूची से पहले जारी करते हैं या बाद में, क्योंकि कई बार जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां होती है ये कांग्रेस बीजेपी के नेता कह चुके हैं कि अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार जो चयन है वो किया जाता है। अगर राजस्थान में कहीं सूची आती है तो उस सूची के आधार पर कई बार प्रत्याशियों का फैसला लिया जाता है, लेकिन जहां पार्टी मजबूत स्थिति में जहां बिल्कुल शोर है जो एक सिंगल नाम का पैनल है तो वो सूची पहले जारी की जा सकती है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। विष्णु बहुत शुक्रिया आपका विस्तृत जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।